लगभग 62,400 करोड़ रुपए का ऋण भार सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए उन्हें इस भार से मुक्ति दिला दी गई थी। गत सरकार की नीतियों, ऊर्जा विभाग तथा बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान में डिस्कॉम्स पर लगभग 88,700 करोड़ रुपए सहित समस्त बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया है। वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकीय उत्पादन कंपनी की उत्पादन क्षमता लगभग 8,300 मेगावाट होने के उपरांत भी औसतन 4,800 मेगावाट अर्थात मात्र लगभग 55% क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। इस कारण प्रदेश में समुचित बिजली उपलब्ध कराने के लिए महंगी बिजली एक्सचेंज से क्रय करनी पड़ रही है। वर्ष 2022-23 में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली एक्सचेंज से खरीदने के कारण यह अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ा। हम इस स्थिति से निपटने व बिजली कंपनियों में प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएंगे। इस दृष्टि से प्रसारण निगम में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप इनविट टीओटी लाने के साथ ही सभी बिजली कंपनियों निगमों का विशेषज्ञों की सहायता से बिजनेस प्लान तथा 10 वर्ष की अवधि ध्यान में रखते हुए रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिफाई करने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। जैसा कि विदित है, राजस्थान में सोलर इंसोलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निशुल्क मिल सकेगी। प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फॉसिल फ्यूल्स की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटरस्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही जयपुर शहर की ट्रैफिक कंजेशन संबंधी समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। माननीय सदन के साथ ही प्रदेश की जनता में भी यह विदित है कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत न सिर्फ भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता संबंधी भी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, बल्कि परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन की गति भी अत्यधिक धीमी थी। इस कारण हमारे प्रदेश का जेजेएम कवरेज में संपूर्ण देश में 33वां स्थान था। आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, साफ साफ बात तो यही है ना। आप बजट भाषण, जब हम परियोजना का कार्य पूर्ण, आप सुनिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए, सदस्य इतने बौखला क्यों रहे। मेरा काम है, मेरा काम मुझे करने दीजिए। अरे मत, अरे भाई, अरे
आप बैठे बैठे मान्य सदस्य बैठे बैठे नहीं, आप करिए अपना। क्यों महिला वित्त मंत्री से कोई दिक्कत है आपको? आप फिर आप पढ़िए मान्य सदस्य। अब हम परियोजना का कार्य पूर्ण पारदर्शिता दर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए संपन्न करने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। इस क्रम में योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। गत सरकार द्वारा न सिर्फ जल जीवन मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजना को पिछड़ने के कारण अत्यधिक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल की सुविधा से वंचित रखा, अपितु प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP परियोजना को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया गया। इससे गत सरकार की नियत और कार्य प्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ERCP परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर स्वीकृति किए जाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य MOU को साइन कर शीघ्र प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सदन आप इससे भी खुश नहीं है, वंचित रखना चाहते हैं। माननीय विपक्ष नेता सुनिए, 21 जिलों को पानी से फिर पीने के पानी से सिंचाई के पानी से आपको इसमें दिक्कत क्या है? माननीय सदस्य आप तो कर नहीं पाए। अरे माननीय सदस्य आप ये 10वीं बार खड़े हुए हो माननीय सदस्य, यू आर 10th टाइम आज खड़े हुए हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा।